आज का ब्लॉग सुबह सुबह ही स्टार्ट हो रहा है। मॉर्निंग रूटीन मैंने पूरी तक साफ नहीं किया, अभी दिनों का दांत ब्रश होगा। यस, मैं हर दिन कर नहीं पाती हूँ, जब मेरे को टाइम मिलता है मैं कर देती हूँ। अभी पहले तो डॉलर दांत ब्रश करेगा, तो मैं अगर कौन भी पूछूँ अपने आशु आशु ओके इसको नहीं आना, इसको मैं यहीं बिठा के दांत ब्रश कर देती हूँ। माउथ फ्रेशनर काइंड ऑफ, इनका ब्रेथ और दांत अच्छा रहता है, तो ये मैं दांत ब्रश करने के बाद पी लेती हूँ। और अगर दांत ब्रश नहीं कर पाते या डॉग तो निकल दिए बेड वाइप्स क्लीन। उनको रूम भी साफ अच्छा लगता है, उनको साफ होना भी अच्छा लगता है। ट्राई टू क्लीन देयर प्राइवेट पार्ट्स एज वेल, हल्का हाथ से, बिकॉज वहाँ पर जब इन्हें दूध पी और पू ना तो वहाँ पर शिशु रह जाता है, उसकी वजह से ना येलो हो जाता था। इट्स बेटर यू क्लीन इट एज सून एज देयर डन विद देयर पी एंड पू। गुड बॉय, दे जस्ट लव लव गेटिंग देमसेल्फ ग्रूम। स्पेशली पेस्ट पसंद है खाना इस फुदमाश को, इजीली और बैठता है। अलग अलग ब्रश है, ये चैंप का है, डॉलर का ब्लू था, और ये कुकी का ब्रश है छोटू सा। दिस इज अ जॉनसन बेबी का ब्रश, क्योंकि ना इन लोग का जो ब्रश आता है ना उसमें बहुत ब्रिसल्स जो है ना बहुत हार्श होते हैं, बहुत सख्त होते हैं, जिससे ना इन लोग का वो छिल जाता है। मास्क लगा के बैठा देती हूँ। मुँह साफ होने के बाद ये तीनों आके बिस्तर में लेट जाते हैं। ये अपना जगह पकड़ लेती है, लाइक यस, ये कुकी का सोफा है, यस सी द आर्ट एंड द आर्टिस्ट। खालीन, अब थोड़ी देर बाद मैं ये सब करूँगी, पर पहले लंच करूँगी। आज नहाने का सीन एकदम रात में होगा, बिकॉज गंदा गंदा।
फ्रॉम आर स्लीप डू डीप क्लीनिंग मेरे रूम का हर एक साल एवरी ईयर. दिस इज़ लाइक क्योंकि मेरे रूम का था पहले तो मम्मी और मैं सेम रूम में रहते थे पुराने घर पे, तो मम्मी भी हाथ लगा दी थी, पर इस बार शी इज़ लाइक यू हैव टू डू योर शिट बाय योर ओन सेल्फ. आई वाज लाइक ओके. अभी शाम के 6 बजे मेरे मम्मी का एग्जाम भी वाला है, यू गाइस कैन सी यहाँ से अभी तक इधर मैंने कुछ भी नहीं किया. आई हैव टू फिनिश दिस एंड मेरे पर्दे भी धुलने गए हुए हैं, सो आई हैव नो पर्दे. And I might sleep at my sister's room today because मैं रात में I think शायद मैं स्प्रे भी दूंगी बिकॉज मैंने मेरे को ना एक या दो कॉकरोच बेबी कॉकरोच ही देखा. सो यार चलो मैं बिस्तर वो कर लेती हूँ. पीपल माइट थिंक आई एम क्रैक हेड दैट मैं हर दिन अपना बिस्तर बनाती हूँ, बट इट्स जस्ट मी, पता नहीं मेरे को बचपन से मतलब हैबिट है. One side down, other one to go. And जिन लोगों ने मेरा room tour अभी तक नहीं देखा है, I'll put up the link somewhere here so that you guys can see. And yeah, आज भी room tour ही हो रहा है, kind of like proper cleaning room tour. And fuck, मेरे face पे भयानक rashes आ रहे हैं. I'm dead. रात में मेरे को दोबारा से जिन खा के सोना पड़ेगा. This is how my drawer looks like अभी. अभी ये कचरा साफ होगा. यानी दवाई. This is my life after surgery. Hell lot of दवाई दवाई दवाई. दिखाती मैंने drawer कैसे साफ किया. मैंने वापस से सारे जर्नल जहाँ थे वहाँ रख दिए. मेरे ग्लासेस, सैनिटाइजर, मेडिसिन इसमें, मेरे दो फ़ोन इधर, मेरा एयरपॉड्स इधर, वॉलेट, ट्रीट्स, चश्मा, मसाजर, हजमोला एंड माय गोको का वो. सो दिस इज़ लाइक माय फर्स्ट ड्रॉअर. एंड या सारे कैंडल्स एक साथ रख दिए. मेरा लैपटॉप चार्जर, फिर ये एक्स्ट्रा वायर, मेरा हेडफोन कैन ऑल्सो. या अच्छा था. सो या दिस इज़ द सेकेंड ड्रॉअर. तो मैं नहा के आ गई. मुझे मम्मी का भी रूम साफ करना था, मैंने वो किया. एंड अभी रात के कितने बज रहे हैं, 11:30 बज रहा है. मुझे कुछ खाना नहीं है. आई एम फीलिंग वेरी फुल. दोपहर को जो लेफ्ट ओवर्स था वही खाना पड़ा था मुझे, मैंने वो ही खा लिया. एंड अभी आई विल जस्ट पुट सम ऑइंटमेंट एंड मैं सो जाऊँगी क्योंकि मैं फीलिंग एक्सट्रीमली टायर्ड. And yes, if you guys enjoyed this video, don't forget to like, share, subscribe and turn on the notification bell. And don't forget to follow me on my other social media as well. Sabke links mein description mein dal dungi. Bye guys, take care.